मैं अभी जो है एक ये छोटी सी पोस्ट डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं एक 6 बेडरूम हाउस ओन करने जा रहा हूँ, नॉट मी इंक्लूडिंग माय 4 फ्रेंड्स। तो विवन हो में है, जिन लोगों को समझ आती है ये लोकेशंस वगैरह चेक कर लेना, विवन हो में है। और मेरे पास 2 स्पेयर रूम है, अगर आप में से कोई सितंबर या अक्टूबर में आना चाहता है तो दे कैन लिव विद मी फॉर द 2 मंथ्स। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आपके आपको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना है, ना ही आपको डिपॉजिट पे करना है, ना ही आपको गारंटर पे करना है, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। और जो जैसे कि इंडिया या किसी और कंट्री से आ रहे हो तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है अकोमोडेशन सर्च करना, क्योंकि आज मुझे ऐसी कोई डील मिल गई होती तो मैं तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता। बट क्या कर सकते हो कि आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करो कि आपको अकोमोडेशन की जरूरत है, आई विल शेयर यू द डिटेल्स। अभी मैं वैसे वीडियो भी प्ले कर देता हूँ कि उसके रूम की और किचन वगैरह की और गार्डन की पार्किंग की सारी वीडियो प्ले कर देता हूँ। और द मेन थिंग इज कि आपको किसी कोई डिपॉजिट पे नहीं करना, आपको कोई गारंटर नहीं करना, आपको कोई टेनेंसी एग्रीमेंट साइन नहीं करना और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। और इसमें जैसे कि आप मान लो सेप्टेम्बर में आते हो, अगस्त का आपको मेरे को रेंट पे करना है सिर्फ। मुझे पता है कि आप सेप्टेम्बर में आ रहे हो क्योंकि मेरे को आपके लिए रूम रिजर्व रखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे लोग रूम रहने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। बट मैं चाहता हूँ कि किसी की अगर हेल्प हो जाए आप में से तो वो ज्यादा मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स यहाँ पे आने के लिए रेडी हैं और जो यहाँ पे हम लोग परेस रोड में रहते थे वहां से भी काफी सारे लोग मेरे साथ शिफ्ट होने के लिए रेडी हैं। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको अगस्त का रेंट देना पड़ेगा, सेप्टेम्बर में तो आप आ ही जाओगे। अगस्त का इसलिए देना पड़ेगा ताकि मैं आपका रूम रिजर्व रख सकूँ, इस वजह से अगस्त का आपको रेंट देना है। और सेप्टेम्बर में तो आप आओगे तो आप रहो 1 महीने 2 महीने या जितना आपको रहना है, उसके बाद अगर आप रूम या अपना अकोमोडेशन फाइंड कर लेते हो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हो तो मेरे साथ जब तक रहना चाहो तब तक रह सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप वीडियो वगैरह देख लो और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। और हाँ, मुझे इंस्टा पे फॉलो करके कमेंट करना। सो जो मेरे पास रूम है वो 2 बेडरूम साइज रूम्स हैं और उसका रूम रेंट है 400 पाउंड। तो आपको अगस्त का मेरे को रेंट एडवांस पे करना पड़ेगा, जिसमें कि अगर आप अगस्त में आ जाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं आ पाते हो तो सेप्टेम्बर में जब भी आप आते हो डायरेक्टली मेरी अकोमोडेशन में एयरपोर्ट से आ सकते हो। मैं एड्रेस वगैरह आपको टेक्स्ट कर दूंगा वंस यू लैंड इन द यूके। बिल्स वगैरह एक्सक्लूडिंग है, मतलब बिल्स नहीं है ये, तो बिल्स क्योंकि हम लोगों को भी खुद से पे करना है। तो 400 और 2 रूम्स मेरे पे स्पेयर अवेलेबल है, अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करना कि आपको अकोमोडेशन की जरूरत है और आप मेरे साथ रहना चाहते हो, ठीक है। ठीक है, दिस इज द अनदर रूम, काफी बड़ा कबर्ड स्पेस वगैरह है, सब ठीक है। दिस इज द वॉशरूम, दिस इज द अनदर बेडरूम, काफी स्पेशियस है यार, 6 बेडरूम। हीटर देखो कितना बड़ा है, बाप रे, ठीक है। एंड वेयर डू यू लिव? We live in the next village. My husband comes, you know, to fix it or sort it out. So we're very That's much, cool. You know, you deal with us once you... Yeah, another washroom. I mean, one good thing... That's very nice. Yeah, no, take pictures, please. There's the one freeze. Freeze, and this one is a freezer, or microwave, oven, boiler, or those sink hai, okay, or washing machine bhi idhar hi hai. This is the dining table, or yahan se nikalte hi ground floor pe garden bhi hai, aur ye garage room hai, and this is the parking area. Yahan pe ek gaadi ki parking hai. This is the garage. गैराज एरिया या जो भी बोलो आप, टेबल वेबल लगाए, काफ़ी अच्छा यार, काफ़ी बड़ा रूम है सच में, 6 बेडरूम हाउस है, बहुत ही बढ़िया रूम है, घर बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। 1 बेडरूम 2 बेडरूम 4 बेडरूम ऊपर है, 2 बेडरूम नीचे हैं, ठीक है। विंडो भी है, वार्डरोब है, कबर्ड्स है, सेम ही है ना, ज़्यादा मैंने ये पूरा डाइनिंग अब मैं वॉशिंग करके देख लेता हूँ। दिस इज योर टॉयलेट एट द ग्राउंड फ्लोर, दिस इज द एंट्रेंस, दिस इज द एंट्रेंस फ्रॉम हियर और यू कैन गो फ्रॉम हियर एज़ वेल। और वहाँ पे कार पार्किंग है, ये रूम है भाई, काफ़ी बड़ा रूम है,
ये वाला रूम तो मैं ही लूंगा पक्का, ये वाला या फिर वो वाला। अबे